सो यूजुअली 10,000 लीटर के आसपास रोज का दूध कलेक्ट किया जाता है। एक तो करती है क्रीम बनाती है और दूसरा ये जीरो फैट मिल्क इस कंटेनर में चला जाता है। हाँ, अब ये हम यहाँ से क्रीम गर्म कर रहे हैं और ये क्रीम को गर्म करके और फिर इसका दही बनाएंगे। मम्मी दादी जो तैयार करते थे पुराने तरीके से, सेम उसी प्रोसेस से तैयार करते हैं हम। बिल्कुल प्योर घी है सर, ऐसे चमकता है जैसे कोई सोना चमकता हो, पिघला हुआ सोना हो, ऐसी हमारी क्वालिटी है। और हमारी क्वालिटी के लिए हम इतनी गारंटी देते हैं कि अगर हमारे घी में आपको किसी भी प्रकार की मिलावट लगे तो आपको साहब 1,00,000 रुपये इनाम देंगे हम, आप जिस लेब में चाहे वहाँ टेस्टिंग करा सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विश टू एक्सप्लोर। मैं हूँ आपका होस्ट ऋषभ। भाई आसपास का पहले एक बार नज़ारा देखो, ये जयपुर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जयपुर में अभी नहीं हूँ, मैं हूँ नांगल सिरस में। और यहाँ पे आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन डेयरी के पास लेकर आया हूँ। सो यूजुअली हम जब भी घी खाते हैं हम या तो अमूल का खाते हैं या फिर सरस का खाते हैं, लेकिन मैं आज आपको जिस डेयरी पे लेकर आया हूँ और जो ये इस क्वालिटी का घी बनाते हैं उसको खा के तो आप इनके परमानेंट कस्टमर होने वाले। सो मैं आया हूँ आज प्रियल डेयरी पे और इनके जो घी का नाम है वो गव्य धारा घी है और अपनी प्योरिटी के लिए बहुत ही फेमस होता जा रहा है जयपुर के अंदर, जयपुर वालों को दीवाना बना रखा है। सो आज मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि ये घी किस तरीके से बनाते हैं और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि आप किस तरीके से इस घी को ऑर्डर कर सकते हैं। आइए चलिए चलते हैं। सो गाइस जो अपना सबसे पहला प्रोसेस है वो है मिल्क कलेक्शन प्रोसेस। सो ये जाते हैं और मिल्क कलेक्ट करके फिर अपनी डेयरी पर लेकर आते हैं। सो चलिए आइए चलते हैं और मिल्क कलेक्ट करने चलते हैं कि ये कहाँ से और कौन कौन सी गायों का मिल्क कलेक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो चलिए आइए चलते हैं। सो गाइस अब हम जा रहे हैं ये देखने के लिए कि मिल्क किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है और कहाँ से किया जाता है। अब हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे दूध को कलेक्ट किया जाता है, सारे सैंपल्स को लिया जाता है और फिर यहाँ पे दूध को कन्वर्ट किया जाता है क्रीम में और फिर वो उस क्रीम को वहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है घी के अंदर। पहले मक्खन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर घी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो चलिए आइए करते हैं। सो वहाँ से यहाँ की दूरी हम 70 किलोमीटर तय करके आए हैं, हम आए हैं फलसाना के अंदर और यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। सो देखिए गाइस, सो ये सारा दूध कलेक्ट किया हुआ है गांव से। सो गांव में जितने जितने मतलब भैंस वगैरह होती है उनसे सारा दूध कलेक्ट करके और फिर एक जगह लेकर आया जाता है। यूजुअली 10,000 लीटर के आसपास रोज का दूध कलेक्ट किया जाता है और फिर इस दूध में से बनाई जाती है फ्रेश क्रीम। और जैसे मैंने आपको बताया जितना भी दूध आ चुका है उसका सैंपल यहाँ पे कलेक्ट हो गया है। सो ये है लेबोरेटरी और यहाँ पे इसमें फैट लेवल चेक किया जाता है और क्या चेक किया जाता है इनका? अच्छा, और किसी भी तरीके की कोई मिलावट कर रखी है या फिर कोई दूध का पाउडर मिला रखा है? सो सारी चीज़ें चेक होती है ताकि प्योरिटी बिल्कुल बनी रहे। देखिएगा ये सारा दूध यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है और फिर ये दूध जाएगा इसके अंदर क्रीम बनने के लिए। भाई जैसा आपने देखा यहाँ पे दूध डाल दिया गया है और ये दूध जाता है इन मशीन्स के थ्रू में जो कि इसको दो पार्ट्स में इसको तोड़ देती है। दूध एक तो करती है क्रीम बनाती है और दूसरा ये जीरो फैट मिल्क इस कंटेनर में चला जाता है। ये देखिए, ये निकल रही है क्रीम, हाई फैट क्रीम और इससे ही निकलेगा गव्य धारा का शुद्ध देसी घी। सर मेरा नाम है सुरेश कुमार और मैंने बीटेक किया है, एमटेक किया है और उसके बाद डेयरी इंडस्ट्रीज में आया हूँ। तो हमारा बेसिक यहाँ काम है कि हम लोग डायरेक्ट फार्मर से हम लोग दूध कलेक्ट करते हैं और फार्मर को एक बहुत अच्छा कॉस्ट भी डायरेक्ट मिल जाता है उससे, कि हर फार्मर का एक यूनिक कोड होता है यहाँ पे, जिससे मतलब उनकी जो भी गुणवत्ता है उसके हिसाब से उनको जैसा ही पैसा दिया जाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि फार्मर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने से दूध भी अच्छा आता है, कि उसकी गुणवत्ता है और उसकी प्योरिटी है
उस पर भी हमारा पूरा ध्यान रहता है। और हमारा जो घी का काम है वो हमारे रामजी लाल जी भाई साहब के पास में है, तो यहाँ से क्रीम जाएगा, वहीं बटर तैयार होगा। देखिए भाई, ये 100 किलो के अंदर 6 किलो सिर्फ क्रीम बन पाता है। रेगुलर दूध यहाँ से निकलता जा रहा है और यहाँ पे क्रीम अलग होती जा रही है। सो गाइस, मेरे साथ हैं इस डेयरी के ओनर रामजी लाल जी, जो कि इस डेयरी को संचालित करते हैं, और यहाँ अपन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ यही अपन को पूरी डेयरी का टूर कराएंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि अपन घी किस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे। नमस्कार अंकल। नमस्कार सर, अपने बारे में बताइए। मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था, गवर्नमेंट जॉब में इतना मन नहीं लगता था, खुद का बिजनेस करने की रहती मन में, इसलिए 15 साल सर्विस करके VRS ले लिया और उसके बाद ये डेयरी का सेटअप किया है। इस डेयरी की खास बात ये है सर कि हमारा अभी हम सिर्फ घी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और दूध में से क्रीम निकालते हैं और उसका घी बनाते हैं। घी बिल्कुल देसी हिसाब किताब से बनाते हैं और हमारी जो क्वालिटी है वो इतनी शानदार है कि हमारे से जो ले जाता है एक बार, वो उसके रिलेटिव भी सारे हमारे से लेने लग जाते हैं। जो स्टार्टिंग में जिन लोगों ने हमारे से लेना शुरू किया था, 2 लीटर लिया, वो खुद तो 2 ले रहे हैं लेकिन उनके सहारे से 20 तक जाने लग गया। ऐसी हमारी क्वालिटी है और हमारी क्वालिटी के लिए हम इतनी गारंटी देते हैं कि अगर हमारे घी में आपको किसी भी प्रकार की मिलावट लगे तो आपको साहब 1,00,000 रुपये इनाम देंगे हम। आप जिस लेब में चाहे वहाँ टेस्टिंग करा सकते हैं। हमारा घी अगर कोई डायरेक्ट ऑर्डर करता है तो हम घर तक होम डिलीवरी देंगे, जिसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और जयपुर में सिटी में मेन जगह हमारे काउंटर हैं, कोई कॉल करके हमारे से पूछ सकता है कि मेरे नज़दीक कौन सा काउंटर है, उस काउंटर का हम आपको नाम बता देंगे, वहाँ से आप ले लेना। हाँ, अब ये हम यहाँ से क्रीम गर्म कर रहे हैं और ये क्रीम को गर्म करके और फिर इसका दही बनाएंगे। कितनी देर तक गर्म करते रहना पड़ता है अंकल? ये 90 डिग्री तक गर्म करते हैं इसको। अच्छा, बिल्कुल स्लो प्रोसेस से गर्म करते हैं और इसमें बॉयलर से गर्म करते हैं तो यहाँ स्टीम आती है, इससे धुआं वगैरह यहाँ आती नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये स्टीम से गर्म हो रहे हैं? स्टीम से गर्म हो रहे हैं। अब ये बिल्कुल गर्म हो गया, तैयार हो गया ये। अच्छा, अब इसको थोड़ा ठंडा करके चावल लगाएंगे और इसका दही जमा देंगे। अच्छा, अब भाई ये निकल रहा है दूध और इसको बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, ये गर्म हो गया है, अब इसको बाहर निकाल रहे हैं और इसमें जामन लगा के फिर इसकी दही जमा दी जाएगी। अब हमारा ये दही जम के तैयार हो गया है। दही को दूध जब 40 डिग्री पे आ जाता है तब उसमें जामुन देते हैं तो फर्मेंटेशन होके और ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा प्रोसेस दही हो गया। अब इस दही में से हम छाछ करके और मक्खन निकालेंगे। इसको छाछ बनाया जा रहा है। हाँ, इसको छाछ बनाया जा रहा है और इसमें से थोड़ी देर में मक्खन आ जाएगा। अब ये मक्खन आने लग गया है, अब इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे तो वो बिल्कुल सेपरेट। ठंडा पानी डालने से मक्खन ऊपर आ गया और वो छाछ अलग हो गए। मम्मी दादी जो तैयार करते थे पुराने तरीके से, सेम उसी प्रोसेस से तैयार करते हैं हम। 10 से 12 मिनट लगते हैं, 10 से 12 मिनट में छाछ से मक्खन अलग हो जाता है। अब ये मक्खन छाछ से बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हो गया और इसको अलग निकाल लेंगे। अब हम ये वही प्रोसेस है जो अपन पहले पुराने ज़माने में करते थे या घर पे करते हैं अपने घर पे। बाहर डेयरी वाला इंडस्ट्रियल कोई हमारे ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल देसी तरीका है, देसी तरीके से। अंकल, आप वाले घी के अंदर और दूसरी जो डेयरीज होती हैं उनके घी के अंदर क्या डिफरेंस रहता है? हमारे घी और दूसरी डेयरी के घी में अंतर यह आएगा सर, दूसरी डेयरीज कच्चे दूध से घी निकालती हैं और उसमें किसी प्रकार का वो फर्मेंटेशन वगैरह जावण नहीं देते हैं। हम पुराने तरीके से दूध को गर्म करके जावण देके और उसका फर्मेंटेशन करके फिर उसका मक्खन निकालते हैं छाछ करके, तो उसका वही टेस्ट रहता है जो अपने पहले घर के घी का जो टेस्ट होता है वही सेम हमारे वाले का आएगा। तो ये बकेट है सारी की सारी 40 किलो की? हाँ, 40 किलो की है। ये दही है हमारा। और इसमें से एक बकेट में से टोटल मक्खन कितना निकलेगा अंकल? ये 40 किलो में से करीबन 25 किलो मक्खन निकलेगा करीब में से। 25 किलो मक्खन। हाँ जी। और मक्खन से घी आधा ही हो जाएगा फिर? हाँ जी। सो अब ये जितनी भी दही जमी हुई थी हमारी वो कन्वर्ट हो चुकी है इस मक्खन के अंदर।
जो अपन ने मक्खन निकाला था वो अब जाएगा इसके अंदर, ताकि इसमें से घी अलग से निकाला जा सके। ये देखिए गाइस, ये धीरे धीरे अब थोड़ा सा लिक्विड बनता जा रहा है। वाह, अब ये देखिए गाइस, तो जैसे मक्खन है थोड़ा गर्म होता है तो उसके बाद ये इस तरीके से हो जाता है, और इसके बाद ही आपका घी अलग कर दिया जाता है। कितना टाइम लगता है यूजुअली, मतलब इस मक्खन को घी में कन्वर्ट होने के लिए? 1 से 1.5 घंटा, मतलब 1 से 1.5 घंटे के आसपास। 1 से 1.5 घंटा मतलब स्लो टेम्परेचर पे निकालते हैं, जिससे क्या कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। ये हो गया घी रेडी, और ये आ रहा है धीरे धीरे अब इसके अंदर। घी का कलर देखिए आप, अब जब भी आपका मक्खन अलग किया जाता है घी से तो उसके अंदर दो फॉर्म बन जाती है, एक तो मेन प्योर आपका घी, और दूसरा आपका ये जो पीछे रह जाता है, अब इसमें भी कुछ घी रहता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या करते हैं, इसको क्या फेंक देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको क्या करते हैं, इसको भी पानी के अंदर डाल देते हैं। इसमें पानी डाल देते हैं, इसमें पानी मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, अब इसमें कर दिया मिक्स पानी, तो इससे जितना भी बचा हुआ घी होगा वो सारा का सारा ऊपर ऊपर आने लग गया। अच्छा, ऊपर आ जाएगा। अब देखिए, जैसे जैसे घी कोलेट होता जाएगा वो सारा का सारा घी इसके अंदर आ जाता है, और फिर ये सीधा इस पाइप से उस वाले केबिन में चला जाएगा जहाँ पे बॉटल्स की प्रोसेसिंग होती है और बॉटल्स की फिलिंग की जाती है। सो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि बॉटल्स फिल किस तरीके से की जाती है। ये देखिए गाइस, इतनी अच्छी क्वांटिटी, मतलब नीट एंड टाइडी, बिल्कुल लाइक ए गोल्ड, लिक्विड गोल्ड। अब हम घी निकाल के तैयार हो गया और उसको पैक करेंगे। ये उस टैंक से पाइप से इस टैंक में लिया, ये पैकिंग टैंक है, और इससे वो मशीन के द्वारा पैक करते हैं। अब ये 1 लीटर की बोतल पैक कर रहे हैं हम अभी। अच्छा, ये सारा घी अंकल वहाँ से इस टैंक में आ गया, और यहाँ से इधर आ रहा है। हाँ, और ये फिर पाइप कनेक्टेड है इससे। हाँ जी, और ये यहाँ पे फिलिंग हो रही है। बिल्कुल प्योर घी है सर, ऐसे चमकता है जैसे कोई सोना चमकता हो, पिघला हुआ सोना हो, इस तरह से चमकता है। हमारे पास क्वालिटी है, सिर्फ क्वालिटी के अलावा कुछ नहीं है, कोई नाम नहीं है, सिर्फ क्वालिटी है हमारे पास। तो ये सारा घी जो अपन ने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था वो यहाँ पे आ चुका है इस टैंकी के अंदर, और यहाँ से इसमें आके ये पैक हो रहा है। तो बहुत ही नीट एंड टाइडी है, अगर आप देखोगे ना तो हर एक जगह बहुत ही नीट एंड टाइडी है। तो अपने घी का प्राइस क्या है? अपने घी का प्राइस 700 रुपये लीटर है। 700 रुपये? हाँ, और हमारी मेहनत और हमारी प्योरिटी को देखते हुए 700 रुपये लीटर बिल्कुल रीजनेबल रेट है। हाँ, जयपुर के बाहर भी भेजते हैं, जाता है हमारा घी जयपुर के बाहर भी जाता है। हमने जयपुर के बाहर नहीं पहुँचाया, लेकिन जयपुर वाले जो ले गए उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बता दिया, फिर वो ले गए तो उनको कोरियर करवाना पड़ता है अभी। अच्छा, तो किस तरीके से पैकिंग फैसिलिटी कैसे करते हैं? हम पैकिंग में ये भेजते हैं, इसमें ग्लास की बोतल है, और ग्लास बोतल को इसके अंदर पैक कर दिया। ग्लास बोतल के ऊपर थर्माकोल लगाते हैं जिससे क्या वो टूटे नहीं। अब ये बोतल ऐसे पैक हो जाती है जिस अगर ये कहीं गिर भी जाए तो टूटेगी नहीं। ये भरी हुई बोतल है, ये हमारा स्टोर रूम है जिसमें हम घी पैक करके और स्टोर करते हैं। ये हमारा गाय का है, ये भैंस का है, और ये 15 किलो के पीपे जाते हैं ऑर्डर से। बाहर भी हमारा काफ़ी दिल्ली असम तक हमारा घी जाता है, असम तक जाता है, तो ये बाहर पीपा रखवा देते हैं हम कुरियर से।
ये भैंस का है। इसकी क्या प्राइस है अंकल? ये 700 रुपए लीटर है दोनों। अच्छा 700 रुपए लीटर। हाँ 700 रुपए लीटर है दोनों। सो भैंस का घी हमेशा सफेद रंग का आ जाता है इनको। हमेशा सफेद। और इसका थोड़ा सा हल्का पीला रंग रहता है गाय का जब भी रहता है। तो भाई यहाँ पे तो मैं जनरली आता नहीं हूँ, ऋषभ के साथ भाभी आती है, तो आज मैं आया तो मैं प्रोसेस देख के ना मेरे से तो रहा नहीं गया। और जनरली क्या है कि हम जो सिटी में शॉपिंग करते हैं डी मार्ट से करते हैं, तो वहाँ पे जो अवेलेबल है ब्रांड्स वही खरीदते हैं। लेकिन मैं बहुत टाइम से जहाँ से हम दूध लेके आते हैं ना ये भैंस के जो वो होते हैं तबेला, मैं लगभग 10-12 तबेला जा चुका हूँ कि आप घी रखते हो क्या, वहाँ से घी मिल जाएगा, लेकिन है ही नहीं। आज इधर आया ना तो मैं है कि ट्राई करूँगा, लेके जाऊँगा, और अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली ऑर्डर यहीं से है, फिर अपना घी तो पक्का है। तो यहाँ पे मैं दो, जैसे अंकल ने बताया कि गाय का घी जो है वो थोड़ा फ़ायदेमंद रहता है, तो मैं दो, अंकल मेरे को दो गाय के घी के डब्बे दे दो, एक एक लीटर वाले गाय के ये। और तो ये दो लिए हैं, ट्राई करेंगे किस तरीके से, और अच्छा रहेगा तो मैं फ़ोन कर दूँ या फिर नियरेस्ट सेंटर पर जाएँ, ये आ सकता रहे। होम डिलीवरी भी दे सकते हैं। और हमारे पास घी का इतना मतलब ज्यादा से ज्यादा पुराना, हमारे पास 10 दिन से ज्यादा पुराना घी नहीं रहता। अच्छा 10 दिन से पुराना घी नहीं, कहीं भी चलो बढ़िया, बिल्कुल ताज़ा मिलेगा, स्टॉक रुकता ही नहीं है। तो गाइस ये था गव्य धारा घी का होल प्रोसेस। होपफुली ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी कि कितना शुद्ध है ये घी। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और यहाँ तक बने रहने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।